चमत्कार 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 चमत्कार। हर एक आदमी देखो घर बेकरार के हो जाए उसका हर सपना साकार। ये तो है किस्मत के हाथ कब हो किसका बेड़ा पार। होते रहते हैं अक्सर इस धरती पर चमत्कार 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 चमत्कार। चाहत नहीं है मेहनत की, कमाना चाहे दौलत भी, आसानी से हर एक चीज पाने की है नियत भी। हर किसी का है ये ख्वाब, मिल जाए एक ऐसा चिराग, किसी को कुछ मिल जाए किसी का कुछ हो जाए। चमत्कार उसे कहते हैं जब अनहोनी हो जाए। चमत्कार 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 कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे। अभी चिल्ले इल्ले पो को कैसे समझाए कि हमारी लाइफ पो हो गई है। अब मेरा मुंह मत ताकि काम पे लग जाइए। आपका नाम क्या है भाई? हिंदी इल्ला। हिंदुस्तान में रहके हिंदी नहीं आती? अबे इतना पक्का कलर लेके मुल्क में रहना था ना। अब बता तेरा नाम क्या है? यस यस गुड। अबे व्हाट इज योर नेम? नेम अब इसका क्या करें? इसको मैं समझाती हूँ। चलो ये गब्बू चमेली के पीछे ऐसे जा रहे हैं जैसे हरी घर देख के गाय जा रही हो। यही धमाका हुआ था। अयो अयो माय हट बिट वर्किंग। अरे वर्किंग फर्किंग मत करो, रिपेयर करो। रिपेयर रिपेयर तुझे तेरे चंदे की पड़ी है या हमारी हालत गर्मी से उबले हुए अंडे जैसी हो गई है? अंडा? यू मीन एग्स? नो सर, आई एम प्योर वेजिटेरियन। पर हम लोग नॉन वेजिटेरियन है। चला जाए यहाँ से, ये तो कच्चा चबा खाएंगे। गुड जॉब। तीनों चलो यार बहुत हो गया मेकअप। अरे साइलेंस यार साइलेंस। मैं टेक ले रहा हूं यार, उधर मजाक हो रहा है। उस्मान फॉग मशीन बराबर चालू रखना और साथ में थोड़ा लवान भी देते रहना।
ऐसा लगना चाहिए जैसे सोनाली भूत लोक से नीचे आ रही है। यू मीन टू से कि मैं भूतनी हूँ? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। अरे क्यों इस बेचारे को धर्म संकट में डाल रही हो? सच बोलेगा तो तुम फिल्म छोड़ दोगी और झूठ बोलेगा तो पाप लगेगा। देखो तुम बहुत शरारती हो, मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारे लंबे लंबे बालों में उंगलियां डालकर। हाँ हाँ बोलो बोलो क्या करोगी? नो रोमांटिक सीन, नो रोमांटिक सीन। चलो टेक योर पोजीशन, चलो चलो सिद्धार्थ थोड़ा सा तुम ये इस तरफ हो जाओ। हाँ बस नाइस। सोनाली थोड़ी सी ये नाइस, वेरी गुड। या दादा फ्रेम ठीक है ना? ओके। साइलेंस, एक्शन। मुझे तो ऐसा लगता है तुम मानो या ना मानो पर तुम वही हो जिसकी मुझे जन्म जन्म से तलाश थी। देखो खिड़की में से धुआं निकल रहा है। मिल गए मिल गए, अरे भाई आग मिल गई। वही लंबा ऊंचा कद, वही नशीली आंखें। अरे मैंने तो फॉग मशीन के लिए कहा था, ये रे मशीन कहाँ से आ गई? अरे पानी कहाँ से आ रहा है यार, अरे उसे बंद तो करो। कौन है ये बदतमीज? बॉबी तुमने मेरी इमेज की, मेरी इमेज की सत्यानाश कर दी है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। डोंट वरी मैन, अब तुम्हें हीरो से विलन बनने में कोई नहीं रोक सकता। अरे ये क्या हो रहा है यार? अरे पानी बंद करो मेरे बाप, अगर कैमरा गीला हो गया तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। यू इडियट, इधर डूब गए और तू बचाने की बात कर रहा है? तुम्हारे डिपार्टमेंट की तो अगर खटिया नहीं खड़ी तो मेरा नाम बॉबी नहीं है। चलो तुम नीचे जाओ, मैं तुम्हें देखता हूँ। अरे उस्मान ये जरा फ्लोर साफ कर लेना। अरे जहाँ कह रहे हो जवाब तो दो। अरे हमने तुम्हारा ड्यूटी निभाया है। अरे काय का ड्यूटी? जो आग ही लगी उधर तुम पानी छिड़कते हो उसे तुम ड्यूटी कहते हो? इसे ड्यूटी नहीं बहुत भी कहते। मैं तुम पर केस कर दूंगा और याद रखना तुम्हारे फायर ब्रिगेड की तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। ओ मैन, बजाना ही है तो उधर जाकर वो घंटी बजाओ। क्या पहले कंप्लेन करते हो फिर गालियां देते हो? अरे भाई ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग आग बुझाने आए हो या गप्पे मारने? अरे उसी आग की तो रामायण चल रही है। भाई मैं मानता हूँ कि रामायण में हनुमान जी ने अपनी दुम में आग लगा के लंका को फूंक डाला था, लेकिन वहां तो राक्षस रहते थे, यहाँ इंसान रहते हैं। आग मेरे घर में लगी है। अच्छा तो कंप्लेन तुमने की थी? मैंने कुछ नहीं किया, वो तो शॉर्ट सर्किट हो गया था उससे आग लग गई है। पर पूरा पता तो लिखाना चाहिए ना। अरे पता लिखवाने की क्या जरूरत है? ये तीन घर चल के लेफ्ट जाओगे तो मेरा घर है। सारी बिंग देख डाली, कहीं पर भी आग नहीं मिली। इनकी बालकनी में धुआं निकल रहा था तो वहां पर पानी छिड़क दिया। अरे पर ये कैसे हो सकता है? शॉर्ट सर्किट तो मेरे घर में हुआ था, इनके घर में आग कैसे लग गई? अरे भाई हमारे घर में आग लगी ही नहीं, वो तो शूटिंग चल रही थी हमारे वहाँ। अब देखो देखो साहब, आप लोग अपने घर में ही शूटिंग करोगे, गोली वोली चलाओगे तो फिर आग तो लगेगी। अरे अरे ये क्या इतना भीड़ इकट्ठा कर रखे है? अरे और तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तुम कैसी हो नम्रता? डब्बू टीनू कैसे है? स्कूल गए हैं। और वो मेरी मेरा मतलब है हमारी चमली कैसी है? सो रही है। जलते घर में सो रही है? वो औरत है या चंदन की लकड़ी? जलते घर? हाँ किसके जलते घर? अरे अपना जलता घर और किसके घर में आग लगी है? किसने कहा? देखो 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 ये पब्लिकली तुम झूठ बोलोगी तो बहुत बुरी बात है। तुमने खुद मुझे कहा कि वो शॉर्ट सर्किट हो गया है, आग लग गई है। अरे बाबा मैंने कहा था आग लग सकती है और तुम तो इलेक्ट्रिशियन भेजने वाले थे और उसकी जगह इतना बड़ा तानझल ले आए। अरे मेरी माँ मुझे कहा होता तो मैं शूटिंग से इलेक्ट्रिशियन भेज देता था। मेरा ये 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया, वो कौन भरेगा? मेरा बाप? नहीं नहीं पानी तो ये फायर ब्रिगेड वाले खुद भरते हैं। झूठी कंप्लेंट के इल्जाम में तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। सुनिए भाई साहब, इनके कान में प्रॉब्लम है, ये बराबर सुनते नहीं इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अरे पुलिस डिपार्टमेंट, म्युनिसिपैलिटी और फायर ब्रिगेड भी गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट के सामने तो मेरी थोड़ी इज्जत रहे ना, तो जो होता है उसके सामने सुनते नहीं हो बहरे, सुनते नहीं हो बहरे। क्या लगा तुमने? वो कुछ भी हो
मैं अपनी नुकसानी भरपाई किए बिना तुम्हें जाने नहीं दूंगा। खबरदार, मैं अभी ड्यूटी पर हूँ। ड्यूटी पे इसका मतलब क्या है? तुमने मेरा इतना नुकसान किया और मैं तुम्हें ऐसा ही छोड़ दूंगा क्या? आप अपना पैसा दे दीजिए, अपने यहाँ से जाता है। नहीं, पहले मैं इसको पुलिस स्टेशन लेके जाएगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, इतना याद रखना। ए भाई, ए भाई, जरा मेरी बात तो सुनिए। अरे अरे, क्या इंसान बनाए ऊपर वाले ने, जरा जरा सी बात पे मरने मारने में तुल जाते हैं। उन्हें लड़ने दो, तुम चुपचाप खिसक। खिसका? उसको किसका? वही सब हमारे पड़ोसी है, तो पुराना फर्नीचर थोड़ी है, तो किसका? चलो भी। अरे तुम तो मुझे खिसका रही हो। अरे अरे अरे, मुझे लगता है हमारे किचन में चोर घुस गए। अरे नहीं, किचन में तो चमेली है। हाँ तो चमेली गा गा के हमको बता रही है कि वहाँ चोर घुस गए। मुझे बहुत डर लग रहा है कि अंधेरे में उसकी जिंदगी बर्बाद न कर दें। अरे बाबा, वो गाना गा रही है और चोरों की क्या मजाल, चमेली के होते हुए किचन में घुसे। अजीब लड़की, ये तो इतनी भयानक अंधेरी रात है और उसमें ऐसे डराने गाने गाती है, ये सब एजुकेशन की कमी का नतीजा है। अरे रहने भी दीजिए, पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी डरावने गाने गाते हैं और उछल उछल के ऐसे चिकते चिल्लाते हैं जैसे कोई उनके बदन पे खुजली का पाउडर डाल दिया हो। अब उनका तो जिक्र ही मत करो, वरना जितने माइकल जैक्सन के चाहने वाले ना, सबके दिल पे चोट लगेगी। वो जाने दो, तुम्हारा इलेक्ट्रिशियन अभी तक क्यों नहीं आया? हाँ, जब मैंने फोन किया तब तो कह रहा था साहब ऑफिस से फौरन निकल रहा हूँ, बेचारा अंधेरे में हमारा घर ढूंढ रहा होगा। अंधेरे तो हमारे घर में है, बाहर तो जगमगाहट है। नहीं नहीं, बाहर तो खटखटाहट है, देखो कोई खटखटा रहा है, मैं भी देख कर आता हूँ। क्या बात है डैड, अंधेरा करके कैंडल लाइट में क्या चल रहा है? अरे भाई, हमारे घर में शॉर्ट सर्किट हो गई है, हम बत्ती नहीं जला सकते। अच्छा अच्छा, बत्ती नहीं जला सकते, कोई बात नहीं, पर पंखा तो चलाओ, बहुत गर्मी हो रही है। रहने दे तीनू, पंखा चलाएंगे ना तो मोमबत्ती बुझ जाएगी। डैडी, मम्मी कहाँ है? मैं यहाँ बैठी हूँ, इधर आ जाओ। माय गॉड, मम्मी तुम हो? मैंने तो सोचा चमेली है। अच्छा, चमेली का मम्मी मत बोलना, इधर लेने के देने पड़ जाएंगे। चुप करो, जब देखो छोटा मुंह बड़ी बात। चमेली, अब कितना इंतजार कराओगी चाय के लिए? तैयार है साहब। तो लाओ भाई। मैंने सोचा क्यों नहीं अंधेरे से फायदा उठाएं, जब तक इलेक्ट्रिशियन आता है हम चाय पी के टाइम पास करते हैं। लाओ लाओ लाओ, लो नम्रता, टाइम पास करो। लाओ। अरे ये क्या बनाया है? क्या हुआ साहब, चाय में शक्कर ज्यादा है क्या? शक्कर नहीं, नमक गिरा है। ओह माय गॉड साहब, इस अंधेरे में शक्कर और नमक में फर्क ही पता नहीं चलता। साहब साहब, आप जल्दी से इलेक्ट्रिशियन को बुला लीजिए, कहीं सब्जी में नमक की जगह शक्कर मिल गई तो। ऐसा करते हैं, आज होटल में खाते हैं। चलो चलो सब लोग, कपड़ा बदल लो। मम्मी, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कहा तो सही, खाना खाने होटल जा रहे हैं। नहीं नहीं, हमें लगा कि हम लोगों को हंसाने जा रहे हैं। क्या? डैडी को देखो। क्यों, तुमको तुम्हारे डैडी जोकर नजर आते हैं? क्या, मेरा नाम जोकर फिर रिलीज हो रही? नहीं, बहुत अच्छी फिल्म। आप जोकर लग रहे हो, आपने कुर्ता उल्टा पहना है। क्या जोकर का कोट? क्या क्या बोल रहा है? अच्छा, आप कभी घोटाले किए बगैर जी नहीं सकते? मेरे बगैर जी नहीं सकते, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बीच सड़क में कहना जरूरी है क्या? ये बात हम बेडरूम में भी कह सकते हैं, वहाँ बहुत सी जगह है। अरे आपने कुर्ता उल्टा पहना है। मुझे पता है कि मैंने कुर्ता पहना है। अरे साहब, आपने कुर्ता उल्टा पहना है। तभी मैं कहूँ कि मैं जेब में हाथ डालता हूँ और हाथ बाहर क्यों निकल जाता? अरे तो पहले बताना चाहिए, मैं तुम्हें इतनी सारी तनख्वाह काहे के लिए दे रहा हूँ? जाकर अब बदल कर आओ, जाओ। मुझे अंधेरे में डर लगता है। साहब, मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग घेरा बनाकर खड़े रहते हैं, आप कुर्ता सीधा कर लो। हाँ, अच्छा आइडिया। मुझे बीच सड़क नंगा करोगे? अच्छा आइडिया, जल्दी करो, नहीं तो वरना कोई आ जाएगा। चलो चलो जल्दी, चलो जल्दी, चलो। एक चम्मच जल्दी। अच्छा, मरता मरता, ओ मैं भूख पर मैं फंस गया, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा। अरे पहले कुर्ते का बटन खोलना चाहिए था ना। तुम्हें क्या चाहिए था? मैं कह रही हूँ, पहले कुर्ते का बटन खोलना चाहिए था। अरे कैसी अजीब बीवी हो, एक तो बीच बाजार अपने पति को कुर्ते में फंसा दिया, फिर फरमाइशें कर रही है कि मुझे ये चाहिए था, मुझे वो चाहिए था, पहले मुझे इस अंधे कुएं में से बाहर निकालो। अरे डैडी, जल्दी करो, पिंकी आंटी इस तरफ आ रही है। नम्रता नम्रता, मुझे बताओ, ये तुम्हारी पिंकी मुझे हमेशा बुरी नजर से देखती है। आपको उसे कहना चाहिए था ना कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। नम्रता नम्रता, जल्दी करो, मुझे पिंकी की नीयत बहुत खराब लग रही। अच्छा। जानबूझ के इस वक्त आई है,
जल्दी करो डैडी, वो आ जाएगी, जल्दी करो। मैं गर्दन डाल रही हूँ, गर्दन में आस्तीन डाल रही हूँ। साहब, जल्दी कीजिए। चक, अरे, अरे, थैंक गॉड, थोड़ी देर के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी जल्लाद ने मेरे मुंह पे काला कपड़ा पहना दिया और अब मेरी आखिरी ख्वाहिश पूछेगा और मेरे गर्दन में फांसी का फंदा डाल देगा। अब चलो। हाँ? चलो ना। क्या? चलो। चलिए होटल दावत पर पहुंच गए। वेलकम। हाउ मेनी पर्सन सर? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैंने पूछा सर कितने लोग हैं? ओह अच्छा, अभी भाई बजे हैं 8। मैंने टाइम नहीं पूछा। वी आर 5। थैंक यू मैडम, प्लीज गो टू दैट टेबल। क्या कहा इसने? गो टू हेल? भाई बड़े बदतमीज आदमी हो तुम। सॉरी मैनेजर कहा है तुम्हारा? हैं मीन साहब, सबको रोकिए वरना ये लोग हमको किचन में बंद करके बहुत मारेंगे। अरे वाह, हमने ऐसा क्या किया जो ये हमको किचन में बंद करके मारेंगे? तुम चुप रहो जी, आज आपका काम बिल्कुल आवारा गर्दी पे उतर आया है। लीजिए, मैं आवारा गर्दी करता हूँ, ये बदतमीज कर रहा है। सॉरी जेंटलमैन, ही हैज प्रॉब्लम विद हिज ईयर। इट्स ऑल राइट मैडम। और नम्रता, तुम भी हद करती हो, तुम्हें अपने सुहाग की आबरू का जरा भी ख्याल नहीं। एक टिप पे जिंदगी गुजारने वाले वेटर के सामने अपने पति को बहरा बहरा कह रही हो? सॉरी, वो वहाँ बैठी है। अरे चुपचाप बैठिए भाई, क्यों चुपचाप बैठिए? डैडी क्या कर रहे हो आप, हमें खाना खाने लाए हो या मार खाने? हाँ मम्मी, वो देखो एक ही टेबल खाली है, जल्दी चलो वरना वो भी चली जाएगी। बोलो क्या खाओगे, पंजाबी या चाइनीज? मम्मी हम लोग क्या राक्षस है जो पंजाबी या चाइनीज को खाएंगे? और नहीं तो क्या, मैं रेसिपी की बात कर रही हूँ। एसीपी? इसमें एसीपी की क्या जरूरत है? आपको मेरे सर की कसम, सिर्फ खाते वक्त ही आप मुंह खोलेंगे, इसके अलावा साइलेंसर लगा रहेगा आपकी माउथ ऑर्गन पर। भाई ये तो सरासर दादागिरी है, ऐसी दादागिरी तो मेरे बॉस की जालिम बीवी भी उस पर। मेरे बॉस ने कहा था घर पहुंचते ही फौरन मुझे आग के बारे में फोन करना, वो वहाँ आग बबूला हो रहा होगा, मैं एक फोन करके आता हूँ। चमेली तुम घर वालों का ख्याल रखना। अरे सुनिए तो। अरे मेम साहब, साहब जो सुनते तो इतना लोचा कै को होता। हाँ दादा नमस्कार, फिल्म राइटर एवी बोल रहा हूँ। वो दादा क्या है कि अपने फिल्म के लिए एक बहुत ही टेरिफिक सिचुएशन लिखी है, हाँ हम जो हीरो हीरोइन को जो पहली बार मिलवाते हैं उसके लिए। तो दादा सीन यूँ है कि हीरोइन अपने भाई के साथ होटल दावत में खाना खा रही है और हीरो जो है वो होटल में मैनेजर है। इधर शहर में टेररिस्ट लोग, हाँ दादा टेररिस्ट लोगों ने सारे शहर में बम फिट कर रखे हैं और अगला निशाना इन लोगों का होटल दावत है, वहां भी, हाँ दादा वहां भी उन लोगों ने बम फिट कर रखा है और ठीक 10 मिनट बाद वहां धमाका होने वाला है दादा। हाँ दादा धमाका होता है और उस धमाके के साथ लड़की का भाई जो है वो आग में कूद पड़ता है। चमेली नम्रता तीनों टप्पू, चलो भाग 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 भाग। क्यों? अभी तक हमने खाने का ऑर्डर भी नहीं दिया। देख, खाने का ऑर्डर देने के लिए रुकोगी तो यहाँ हमारी चिता की लकड़ियों का ऑर्डर देने वाला भी कोई नहीं बचेगा। क्या टेररिस्टों ने बम रखा है? बम? अरे मैंने अपने अच्छे खासे कानों से सुना है, वो आदमी अपने साथियों को टेलीफोन पे सब समझा रहा था। दोस्तों भाइयों बहनों चलो 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 चलो, जान है तो जान है, इनका सड़ा हुआ खाना तो हम फिर किसी दिन खा सकते हैं। चलो 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 भागो भागो भागो, इसके पहले कि सबकी हालत तंदूरी मुर्गी जैसी हो जाए। भागो, चलो 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 कोई भी आदमी अपनी जगह से नहीं हिलेगा वरना इस समय यहाँ कुछ भी हो सकता है, सबके सब वैसे ही लेटे रहिएगा, कोई भी हिलने की कोशिश मत करे। एक तो सड़क पे लेटा दिया, ऊपर से स्टेचू स्टेचू खेल रहे हैं। कौन कहता है हमारे पुलिस वाले काम नहीं करते? देखा कितनी स्पीड से आ गए, इतनी स्पीड से तो डाकू भी नहीं आते। साहब यहाँ पर कोई बम बम नहीं है साहब। कौन कह रहा था इस होटल में बम है? ये कुर्ते वाले चीख रहे थे। एक कुर्ते वाले इधर आओ, तुमको कैसे पता चला कि इस होटल में बम है? सर मैंने अपने कानों से सुना था। क्या डैडी ने अपने कानों से सुना? तो मर गए, तो फिर जरूर बॉम्बे का बॉम्बे सुना होगा। क्या सुना? हाँ क्या सुना, मैंने सुना कि वो टेररिस्ट अपने साथियों से कह रहा है कि उसने सारे शहर में बम बिछा दिए, इस होटल में भी एक बम रख दिया है जो भी फटने वाला है।
कैसा था? मैं क्या उसका दोस्त हूँ, मुझे क्या पता वो कैसा था, अच्छा था बुरा था, कैसा था मुझे नहीं मालूम। अरे हमारे कहने का मतलब है उसका हुलिया कैसा था। वो अच्छा अच्छा सर, वो बकरों जैसी दाढ़ी थी और पागलों की तरह उलझे हुए बाल थे और उल्लुओं की तरह ऐनक थी और वो जो बदमाश पॉलिटिशियन पहनते ना वैसा खद्दर का कुर्ता था और बुद्धिजीवियों जैसा। सर सर ये जो थैला लेकर लेटा ना, यही है वो टेररिस्ट, हमारे बीच में लेटा है, ह्यूमन बॉम्ब। हवलदार अरेस्ट कर लो उसको। क्या हुआ भाई? नमस्कार सर। कौन हो तुम? मैं तो एक सर मामूली सा फिल्म राइटर हूँ, दैट्स ऑल। एक गरीब फिल्म राइटर एक करोड़ की बात कैसे करता है? करोड़ों की बात ये क्या कह रहे हैं सर आप? पहले ये बताओ टेलीफोन पर तुम किससे बात कर रहे थे इस बम के बारे में? बम के बारे में? बम में? झूठ मत बोलो, अभी तुम अपने साथियों से नहीं कह रहे थे? हमने सारे शहर में बम लगा दिए, एक इस होटल में भी लगा दिया है जो अभी बम करके भागने वाला है। अच्छा 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 अच्छा, अब मात्र समझ में आया सर। दरअसल क्या है, राइटर तो मैं हूँ, अपने डायरेक्टर से फिल्म के सीन के बारे में डिस्कस कर रहा था, दैट्स ऑल। बिल्कुल तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अरे साहब रोजी की कसम खाकर बोलता हूँ मैं, और झूठ बिल्कुल नहीं। ये देखिए साहब, ये मेरा कार्ड है और इस नंबर पर मेरे डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं, आप चाहें तो बेशक उनको फ़ोन कीजिए और उनसे पूछ लीजिए कि मैं अभी एक घंटे पहले उनसे फिल्म के सीन के बारे में डिस्कस किया है कि नहीं, दैट्स ऑल। अगर झूठ निकला तो फिर जो सज़ा देनी चाहें आप दे सकते हैं सर। यानी कि झूठ मूठ तुमने अफवाह फैलाई है, और झूठ मूठ अफवाह फैलाने की सज़ा जानते हो तुम क्या होती है? उन्हें माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, उन्हें कान का प्रॉब्लम है। हाँ, हमारे साथ जरा बहरे है। चमेली, 6 महीने तक तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा अगर मेरी शान में गुस्ताखी की तो। देखिए, हाँ सर, आप एक अच्छे खानदानी लगते हैं। सर मैं बहुत अच्छे खानदान का इकलौता बेटा हूँ। ये सब नारियों की शक्ल देखकर मैं आपको माफ कर रहा हूँ, लेकिन सुनिए, ये आखिरी चांस दे रहा हूँ, अगर दोबारा ऐसी गलती की तो बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। ओखले चलो। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए हम माफी चाहते हैं, और आप जानते हैं जो बंबई पुलिस है वो रात दिन आपकी सेवा के लिए ही गश्त मारती रहती है। ओके, एंजॉय योरसेल्फ, गुड नाइट। वेरी बैड नाइट। हां आप घर चलो। अरे अरे, पर हम लोग तो खाना खाने आए थे। अरे साहब, अब अगर हम लोग अंदर गए ना तो ये होटल वाले हमको बाहर नहीं आने देंगे। एक्सक्यूज मी सर। अरे मैनेजर साहब, सर सर माफ कीजिएगा, मेरा इरादा बुरा नहीं था। ऐसी कोई बात नहीं सर, आप लोग हमारे होटल गेस्ट हैं, इत्मीनान से खाना खाइए और दिल की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। क्यों, बर्तन धुलवा कर वसूल करोगे? सर दरअसल आपके जैसे हमारे होटल की अच्छी खासी पब्लिसिटी हो गई है, कल के पेपर में हमारा नाम हेडलाइन में होगा सर, इसके बदले में हम कोई डिनर देना चाहते हैं ऑन द हाउस। मैं जरा इंतजाम करके आता हूँ, आप लोग आइए। वाह वाह, देखा मेरे कान का कमाल। वही तो है, जिन पर बीतती है वही जानते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।